दोस्तों, मैं हूँ योगेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल जूनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बड़े यूट्यूबर्स क्यों बनाते हैं अपने नाम के दूसरे चैनल, क्यों बनाते हैं वो। कुछ एक अच्छा पहला बड़ा चैनल होता है, उसके बाद वो अपना पर्सनल एक चैनल बनाते हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बताते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्यों बनाते हैं अपने, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो वो क्यों बनाते हैं अपने चैनल अपने नाम के। या आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने नाम का या कुछ इस नाम से मिलता जुलता अपना चैनल बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि क्यों बनाते हैं। तो सब दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप भी कोई यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि लोग जो आपके व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो आप को मोस्टली जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, या भाई आप कहाँ पढ़ने जाते हो, क्या खाते हो, सारी डिटेल दोस्तों पूछ लेते हैं। आपका नंबर दीजिए वगैरह जो भी होता है, वो सारी डिटेल आपसे वो पूछ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि ये जो भी आपका जैसे टेक रिलेटेड चैनल है, तो आपके पास जो भी जुड़े होते हैं सब्सक्राइबर, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी यानी टेक से रिलेटेड वीडियो ही उसे पसंद है। और अगर आप आपके उसी टेक चैनल पर आप अपने पर्सनल डिटेल्स जो शेयर करने लगेंगे, तो दोस्तों आपका वीडियो जो कोई नहीं देख पाएगा, और उसे तो क्योंकि पसंद ही नहीं इस तरह के वीडियो। दोस्तों, जो दूसरे व्यूवर्स होते हैं वही सिर्फ पर्सनल लाइफ को डिटेल्स वगैरह जो मांगते हैं आपकी, कि उसको जानने का जो मन होता है कि आप वो कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, सारी डिटेल दोस्तों। इसलिए दोस्तों, क्या होता है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो आप देख सकते हैं कि बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो मोस्टली ब्लॉग चैनल होते हैं उस लोगों की, यानी थोड़ा बहुत टेक भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लॉग होता है, लेकिन टेक के साथ साथ दोस्तों व्लॉगिंग भी करते हैं। तो उस चैनल पर क्या होता है कि दोस्तों व्लॉगिंग के साथ यानी पर्सनल डिटेल्स वो शेयर करते हैं, कहीं पर फरने जाते हैं, कुछ नया होता है गाँव में या कुछ भी नया होता है तो वो पर्सनल डिटेल आपको शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि दोस्तों, आपके पर्सनल डिटेल आप अगर आपको उसको वापस शेयर करते हो, तो उसका जो उसके जो आपसे प्रश्न सवाल पूछा उसका जवाब भी मिल जाता है, और वो आपके वीडियो को भी देखता है, और आपका जो भी भावना तो उसके साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या होते हैं कि टेक का जो चैनल होता है वो अलग रखते हैं, और अपना व्लॉगिंग का पर्सनल चैनल जो अलग रखते हैं उस पर तो वो हर रोज जो वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अपना मिनी चैनल होता है जो अपने जो मिनी चैनल अपने जो डिटेल्स शेयर करने के लिए बनाया है, लेकिन दोस्तों वो व्लॉगिंग करते हैं, कहीं पर फरने जाते हैं तो भी वो आप देख सकते हैं कि उसकी वीडियो बनाते हैं। यानी कि पूरा दोस्तों व्लॉगिंग का चैनल होता है, और उसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझा देते हैं। इसलिए दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूबर है तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों आपसे किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं अपने टेक चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं तो भी दोस्तों आपको भी पता होगा कि आप भी चाहते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहाँ रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, क्या 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 उसके पास जो उनके पास क्या क्या वस्तु है, सारी डिटेल दोस्तों आप जानना चाहते हैं। लेकिन वो टेक चैनल पर नहीं बताते हैं, और वो अपना दूसरा चैनल जो क्रिएट कर कर आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। इस तरह दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर इस तरह अपना जो चैनल क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के मन में भावना ऐसी होती है कि ये कमाने के लिए दूसरा चैनल क्रिएट किया, कि भाई इसको इतना इतना लालच आ गया कि एक यूट्यूबर से मन नहीं भरा तो दूसरा चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं चाहता है कि आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे बड़े यूट्यूबर, क्योंकि दोस्तों वो आपको अपने पर्सनल लाइफ के बताना चाहते हैं, आपके जो सवालों के जवाब देना चाहते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों उसका मेहनत का फल भी उसे मिलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों वो उस चैनल को मोनिटाइज करते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी अपडेट की थी, आपको अच्छी लगी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।